नमस्कार, आप देख रहे हैं जीसीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चल रहे अंडर 14 अंतर जिला क्रिकेट टूर्नामेंट के तीसरे दिन चतरा बनाम दुमका के बीच मैच खेला गया, जिसमें चतरा की टीम ने दुमका टीम को 9 विकेट से पराजित कर दिया। मैच का उद्घाटन झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के कार्यकारी सदस्य गोपाल सहाय, जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय कुमार सिंह, सचिव मनोज कुमार, कोषाध्यक्ष सरोज सिन्हा व सह सचिव आशुतोष, भारतीय चतरा टीम मैनेजर बिमल कुमार ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। मैच में दुमका की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पहले खेलते हुए 23 ओवर में दुमका की टीम ने 142 रन बनाए। टीम की ओर से जीत शर्मा ने 29, करण सिन्हा ने 15 व हर्षित सेन ने सर्वाधिक 44 रन बनाए। चतरा की ओर से गेंदबाजी करते हुए प्रियांशु ने 8 ओवर में 42 रन देकर 2, पीयूष राज ने 8 ओवर में 31 रन देकर 2 विकेट झटके। जवाबी पारी खेलने उतरी चतरा की टीम ने 20 ओवर में 1 विकेट खोकर मैच जीत लिया। टीम की ओर से अतुल ने 47 बॉल में 15 चौके व 1 छक्के की मदद से नाबाद 80 रनों की पारी खेली, जबकि सचिन ने 42 बॉल पर 8 चौके की मदद से 42 रनों की पारी खेली। पीयूष ने 28 गेंद पर नाबाद 13 रन बनाए। बेहतर बल्लेबाजी के लिए चतरा टीम के बल्लेबाज अतुल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। एसोसिएशन की ओर से मैन ऑफ द मैच को 1,000 रुपये नकद व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। मैच में अंपायर की भूमिका मनोहर सिंह व अमित हाजरा तथा स्क्रोरर की भूमिका दीपक कुमार ने निभाई। मैच में ऑब्जर्वर की रूप में कुलदीप शर्मा उपस्थित थे। सोमवार को चतरा बनाम रांची के बीच मैच होगा। सुबह 9 बजे से मैच शुरू होगा। मैच दुमका और चतरा के बीच में ये तीसरा मैच खेला गया, जिसमें दुमका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 142 रन का लक्ष्य रखा चतरा के सामने, जिसको चेस करते हुए चतरा ने आसानी से इस लक्ष्य को 9 विकेट रखते हुए इसको हासिल कर लिया। उसको अच्छी बैटिंग देखने मिली अतुल की, जिसने लगभग 47 बॉल में 80 रन बनाए। और आज के मैन ऑफ द मैच अतुल कुमार। ठीक है और पीछे या ठीक है देखा जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए जीसीपी न्यूज के साथ। नमस्कार। ग्रामीण एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।